ओके, यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। हमने ये वाला टॉपिक था, राइट? तो मैंने ये बताया था कि जो सरफेस टेंशन है उसको लिखने के दो तरीके बताए थे। पहला तरीका ये था कि कितनी फोर्स मॉलिक्यूल लगाएंगे और कितनी लेंथ के ऊपर लगाएंगे, और दूसरा तरीका था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन या एनर्जी क्या होगी डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। जैसे अगर मैंने बताया था कि अगर आप एक ड्रॉप को ब्रेक कर रहे हो छोटे छोटे ड्रॉप्स में, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ड्रॉप को तोड़ने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन जब छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलते हैं और एक बड़ा ड्रॉप बनता है, तो उस केस में वर्क डन नहीं करना पड़ता, अपने आप ड्रॉप्स मिल जाते हैं, तो उसमें एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो अगर मान लो टी सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, और दूसरा फॉर्मूला अगर मान लो आप वर्क डन करते हो, क्या करने में, आप एक बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ लेते हो। और मैंने ये भी बताया था कि छोटे ड्रॉप्स का कुल मिला के एरिया बड़े ड्रॉप से हमेशा बड़ा होगा। तो आप एरिया को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, आप एरिया को इंक्रीज कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्क डन इन इंक्रीजिंग दी सरफेस एरिया। लेकिन अगर आप उल्टा करते हो छोटे ड्रॉप से बड़ा ड्रॉप बनाते हो, फॉर्मूला सेम रहेगा, तो आप बोलेंगे कि एनर्जी रिलीज होगी इन डिक्रीजिंग दी सरफेस एरिया। यहां तक मैंने बताया था, ठीक है? मैंने दो फॉर्मूला बताए थे टी के, एक फोर्स की फॉर्म में और एक एनर्जी या वर्क डन की फॉर्म में। अब इसके अंदर ये फॉर्मूला वर्क डन का आया कहां से, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। ये आपके सामने एक स्लाइडर है जो बना हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो। ये रॉड मूवेबल है और यहां पर सोप की फिल्म है। इसकी जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो एल है, और ये स्लाइडर ऑब्वियसली कहीं यहां पर होगा पहले, और फिर डिस्प्लेस हो चुका है बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स इनवर्ड, क्योंकि सरफेस टेंशन की जो फिल्म है या जो ये फिल्म है उसके अंदर सरफेस टेंशन है, उसने फोर्स लगाई और इस स्लाइडर को अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि वो सरफेस टेंशन क्या करेगी, अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, ठीक? तो एरिया को कम करेगी, इसको तो हिला नहीं पाएगी, तो फिक्स्ड है, ये स्लाइडर मूव कर सकता है, तो इसको इनवर्ड वो अंदर खींच लेगी। अब एल लेंथ है और मान लो उसने इनवर्ड इसको कितना खींचा बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो ऐसे केस में आपको अगर वापस इस स्लाइडर को लेके आना है, या आप ये चाहते हो कि ये मूव ना करे और यहीं पर खड़ा रहे, तो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी एग्जैक्टली उतनी जितनी फोर्स किसने लगाई, मॉलिक्यूल्स ने लगाई। तो वो फोर्स कितनी होगी या अंदर की फोर्स कितनी होगी, वो होगी तो बराबर। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्स का, फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टी। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एल इंटू टी। तो एल लेंथ है, ये एल लेंथ है, और इनटू सरफेस टेंशन, या ये क्या आ गई, इनवर्ड फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक? अब एक मिनट इमेजिन करना कि ये मान लो ये सोप की फिल्म है, ये मैंने लेट अस सपोज बाहर निकाल ली, जैसे मान लो ये एक सोप की फिल्म है पूरी की पूरी, ये मैं बाहर ले आया हूं सोप की फिल्म है, और ये स्लाइडर है। अब मैं ये बता रहा था कि यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो एयर के कांटेक्ट में हैं, तो अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक? पहला पॉइंट। इसके अंदर अगर आप जाओगे, इसके अंदर तो लाखों मॉलिक्यूल्स हैं जो अंदर आपको दिखेंगे। तो अगर आप इस सरफेस पे आना चाहते हो, पीछे की सरफेस, तो आपको लाखों मॉलिक्यूल को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि अंदर इसके वाटर ही वाटर है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, और फिर यहां पर आखिरी मॉलिक्यूल्स आएंगे पीछे वाले जो एयर के कांटेक्ट में है। तो ये मॉलिक्यूल्स इधर एयर के कांटेक्ट में है, ये मॉलिक्यूल्स इधर एयर के कांटेक्ट में, और इन मॉलिक्यूल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत सारे लाखों मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये अपना सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करेंगे, ये भी एक स्लाइडर को खींचेंगे, ये भी अपने सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करेंगे, ये भी स्लाइडर को अपनी तरफ खींचेंगे। यहां से ये मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, यहां से ये मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, ये सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, तो यहां पर अलग सरफेस टेंशन होगी, मीन यहां पर भी सरफेस टेंशन होगी और यहां पर भी सरफेस टेंशन होगी, एक सरफेस टेंशन नहीं होगी, क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ये मॉलिक्यूल्स भी एयर के कॉन्टैक्ट में और ये वाले मॉलिक्यूल्स भी एयर के कॉन्टैक्ट में है। तो इसको बोला जाता है कि इस फिल्म की दो फ्री सर्फेसेस है। फ्री सरफेस का मतलब होता है कि वो लिक्विड की सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में है, तो एक सरफेस ये एयर के कांटेक्ट में है और एक सरफेस ये एयर के कांटेक्ट में है,
तो यहां भी सरफेस टेंशन है, यहां भी सरफेस टेंशन है, यहां पे अलग फोर्स लगेगी, तो कितनी लगेगी यहां की फोर्स, एल इन टू टी, और यहां इसके पीछे वाले पोर्शन की अलग लगेगी, तो इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू से। ये पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स आगे भी एयर के कॉन्टैक्ट में है, मॉलिक्यूल्स पीछे भी एयर के कॉन्टैक्ट में है, ये मॉलिक्यूल्स भी फोर्स लगाएंगे और ये भी फोर्स लगाएंगे, इस वजह से दो दो सरफेस टेंशन होंगी, दो सर्फेसिस होंगी, तो दोनों की फोर्स आपको कंसिडर करनी है। मैं यहां इसलिए बोल रहा हूं ये सारे मॉलिक्यूल फोर्स लगाएंगे क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स पे अफेक्ट सरफेस टेंशन का होगा, पर जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो इस पोर्शन की फोर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हिलेगा नहीं, सिर्फ इस पोर्शन की ही कंसिडर करेंगे। तो तभी तो मैंने जो लेंथ ली वो यहां पर क्या ली, एल ली, एल ली, नहीं थिकनेस नहीं लेते ना। देखो इमेजिन करो एक मिनट के लिए फिर से, आप सब क्लासरूम में बैठे हो, ये पहले मॉलिक्यूल्स हैं जो एयर के कॉन्टैक्ट में, फिर अंदर ये सोप की फिल्म है मान लो पूरी रूम, तो ये सब पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो अंदर बैठे हैं और ये इक्विलिब्रियम में होंगे बिकॉज इनकी नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर एयर के कॉन्टैक्ट में है, और ये वॉल वॉल नहीं है, इसको ये वाले स्टूडेंट अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं, बिकॉज सरफेस टेंशन की वजह से ये रॉड के साथ चिपके हुए हैं और ये आखिरी मॉलिक्यूल को खींचेगा, आखिरी मॉलिक्यूल को रॉड ने पकड़ा हुआ है तो स्टिक किया हुआ है तो खींचेगा। उसी तरीके से वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी रॉड को खींचेंगे, तो यहां की कैलकुलेशन अलग और वहां की कैलकुलेशन अलग, बीच वाले इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो, ये वाली फर्स्ट सरफेस है, में इस केस में जो सरफेस है उसकी कैलकुलेशन फोर्स की कैसे होती है, उसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है कि जैसे आपने ये लेंथ को लिया, इस लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही है, एल इंटू टी फोर्स लग रही है, और इतनी ही फोर्स इसके बैकवर्ड सरफेस पे लग रही है, सरफेस मीन उस लेंथ पे लग रही है स्लाइडर के ऊपर, पूरी लेंथ को हमने कंसिडर किया है जो ऊपर ऊपर के मॉलिक्यूल है जो एयर के कॉन्टेक्ट में है वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो कि इसको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा, तो इतनी ट्वाइस फोर्स लगेगी इस केस में कि स्लाइडर अंदर की तरफ आ जाए। अब इस केस में ये फोर्स तो वर्कडन कितना करना पड़ेगा, स्लाइडर मान लो कितना अंदर आ गया बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स अंदर आ गया, तो आपके पास जो नेट वर्कडन आएगा वो फोर्स इनटू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, स्लाइडर क्योंकि एक्स डिस्टेंस अंदर की तरफ आ गया तो फोर्स की वैल्यू हमने कितनी लगाई थी, टोटल आगे और पीछे की टी इंटू टू एल या टू इंटू टी इंटू एल और इंटू आपने एक्स किया, तो ये नेट वर्कडन आ गया। इस वर्क डन को, क्योंकि सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कितना वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाय कितना चेंज इन एरिया हुआ, तो वर्क डन कितना हुआ नेट, इतना वर्क डन हुआ जो भी कैलकुलेट किया, और एरिया कितना चेंज हुआ, ये एरिया कितना दिखाई दे रहा है, एल इंटू एक्स, इतना एरिया चेंज हुआ, इतना एरिया आगे चेंज हुआ तो इतना एरिया इसके पीछे भी चेंज हुआ क्योंकि आगे के मॉलिक्यूल्स भी अंदर की तरफ आ गए और पीछे के मॉलिक्यूल्स भी अंदर की तरफ आ गए, तो टोटल एरिया चेंज एल इंटू एक्स आगे की तरफ, एल इंटू एक्स पीछे की तरफ, तो ट्वाइस हो जाएगा, टू इंटू एल इंटू एक्स, कैंसल कैंसल, और इन द एंड क्या जाएगा, टी। तो हमने जो फॉर्मूला किया था, टी टी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चेंज इन एरिया, और मैंने बताया था कि इनको डिवाइड करके आंसर टी ही आएगा, ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है कि आंसर डिवाइड करने के बाद टी ही आएगा, और ये सभी केसेस में टी आता है।
इसके बेस पे अभी एक एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं सरफेस टेंशन का. तो ये सब्जेक्टिव शीट नंबर 33, सब्जेक्टिव शीट नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार देखो प्लीज. जीरो टू फाइव. अच्छा, फ्री सरफेस का कॉन्सेप्ट ये भी बता देता हूं मैं आपको. फ्री सरफेस के अंदर जैसे अगर आपके पास एक लिक्विड का ड्रॉप है, ड्रॉप का मतलब अंदर लिक्विड है, और बाहर क्या है, एयर है. तो सरफेस टेंशन इसकी बाउंड्री पे लगेगी, आउटसाइड बाउंड्री पे, और इसके एरिया को कम करने की कोशिश करेगी. लेकिन अगर यही चीज क्या होती है, एक बबल होती, बबल. अब बबल के अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, और ये देख रहे हो फिल्म, इसके अंदर लाखों मॉलिक्यूल्स हैं. और अंदर जाओगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल दिखेंगे आपको. तो यहां भी सरफेस टेंशन है और बाहर भी सरफेस टेंशन है, दो दो सरफेस टेंशन लेते हैं. तो हम बोलते हैं कि बबल के अंदर दो फ्री सरफेसेस हैं, यानी कि जो भी रिजल्ट आप यहां यूज करेंगे आज हम, उसमें अंदर की सरफेस टेंशन भी कंसिडर करनी है एंड बाहर की सरफेस टेंशन भी कंसिडर करनी है, ठीक. लेकिन इसमें सिर्फ एक फ्री सरफेस है बाहर की तरफ, तो सरफेस टेंशन सिर्फ बाहर की तरफ एक्ट करेगी, अंदर कोई सरफेस टेंशन नहीं होगी इसके. तो इसको बोलते हैं फ्री सरफेस का कॉन्टैक्ट. तो जैसे मान लो आपके पास एक, मैंने बताया एक सोप की फिल्म है एक स्लाइडर के बीच में, तो यहां भी एयर है यहां भी एयर है, तो दो फ्री सरफेस है, तभी तो रिजल्ट में टू आ रहा था, ठीक. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर दो फ्री सर्फेसेस हैं तो टू से मल्टीप्लाई करना है, अगर एक फ्री सर्फेस है तो एक से मल्टीप्लाई करना है, एक ही सर्फेस टेंशन लेंगे. मैं आज इसको यूज भी करके दिखाऊंगा. अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि एक यू शेप्ड वायर इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड रिमूव्ड. अ थिन सोप फिल्म इज फॉर्म्ड बिटवीन द वायर एंड अ लाइट स्लाइडर सपोर्ट्स अ वेट ऑफ. ये एक यू शेप्ड स्लाइड जो है फ्रेम है, ये स्लाइडर है जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है. इस क्वेश्चन में ये मेंशनड है कि ये स्लाइडर W वेट को सपोर्ट कर सकता है जिसकी वैल्यू इज 1.5 × 10⁻²⁺ N. इतने वेट को सपोर्ट कर सकता है. एंड द लेंथ ऑफ द स्लाइडर आपको L इस क्वेश्चन में गिवन है 0.30 मीटर. अब फ्रिक्शनलेस स्लाइडर है, और होगा क्या, ये स्लाइडर वेट की वजह से नीचे 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 आके नीचे आता रहेगा और सोप की फिल्म बस्ट हो जाएगी. लेकिन वो ये कह रहा है कि सोप की फिल्म इसको सपोर्ट कर सकती है, और वो कैसे करेगी, वो ऐसे करेगी कि इस तरफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लगेगी. सरफेस टेंशन की फोर्स क्या करेगी, इस स्लाइडर को ऊपर खींचने की कोशिश करेगी ताकि एरिया मिनिमाइज हो जाए. जब ऊपर खींचेगी तो कितनी फोर्स लगाएगी, सरफेस टेंशन टी, और कितनी लेंथ के ऊपर, एल. सरफेस टेंशन टी इंटू लेंथ ऊपर एल, या कुछ और इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, इंटू टू, क्योंकि ये आपके पास एक सोप की फिल्म है. मान लो ये सोप की फिल्म है, तो अगर आपको इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना है तो ऑब्वियसली आपको बहुत थिक देखनी पड़ेगी ये. तो यहां के मॉलिक्यूल इसको स्लाइडर को ऊपर खींच रहे हैं, और पीछे से भी मॉलिक्यूल इसको ऊपर खींच रहे हैं. तो यानी कि इस स्लाइडर के इस तरफ भी फोर्स है, इस तरफ भी फोर्स है. तो देयर आर टू फ्री सर्फेस, एक आगे की तरफ एक बोर्ड के पीछे की तरफ. तो रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से. तो इसलिए 2 into t into l is equal to 1.5 × 10⁻²⁺ 2 into surface tension की value इस question में कितनी है निकालनी है, और length कितनी है 0.30, 1.5 × 10⁻²⁺ 2. तो tension की value solve करके आ रही है 0.025 न्यूटन पर मीटर. ये आपके पास आंसर आएगा. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे आपने एक वेट को इसमें सपोर्ट करना है. Force due to surface tension will be equal to weight W. ठीक. Next question.
नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर क्या गिवन है कि एक लिक्विड का ड्रॉप है जिसका डायमीटर कितना है, कैपिटल डी है. तो एक लिक्विड का ड्रॉप जिसका डायमीटर कैपिटल डी है ब्रेक्स अप इनटू 27 टाइनी ड्रॉप्स. तो 27 ड्रॉप्स हैं, वो उसको हम ब्रेक कर देते हैं. तो एरिया बढ़ेगा कि एरिया कम होगा? बढ़ेगा. क्यों? बड़े ड्रॉप को आपने छोटे छोटे ड्रॉप्स में आपने ब्रेक कर लिया. और ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं? 27 ड्रॉप्स हैं टोटल. तो अगर सपोज करते हैं एक मिनट के लिए, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका स्मॉल आर है. तो सबसे पहला काम क्या होगा, इनका वॉल्यूम इक्वेट करेंगे. 27 इंटू 4 बाय 3 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर का क्यूब. हालांकि आपको इसका डायमीटर गिवन है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम एंड में डायमीटर को क्या पुट कर लेंगे, यहां पे डायमीटर बाय 2 को क्या पुट कर लेंगे, कैपिटल आर, तो एंड में पुट कर लेंगे. पहले रेडियस के साथ काम कर लेते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे. तो यहां पर सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा, ये टर्म हो जाएगी कैंसल, कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 इंटू स्मॉल आर, आपके पास ये टर्म आ जाएगी. ठीक है यहां तक? तो स्मॉल आर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 3. ठीक. और मैंने बताया था कि छोटे छोटे ड्रॉप्स का एरिया मिला के बड़े ड्रॉप के एरिया से हमेशा बड़ा आएगा. ठीक. तो ऑब्वियसली जब इसको ब्रेक करेंगे तो इसकी एरिया की वैल्यू बढ़ेगी. अब ऐसे करने में वो कह रहा है कि रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी क्या होगा. अब रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी के अंदर सरफेस टेंशन टी क्या होता है, सरफेस टेंशन टी इज चेंज इन एनर्जी या एनर्जी चेंज इन एनर्जी. चेंज इसलिए बोल रहा है बिकॉज देयर इज सम चेंज इन एरिया. तो चेंज इन एरिया जब होगा तो एनर्जी भी चेंज हो जाएगी. तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में चेंज इन एरिया कितना है, 27 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. तो चेंज इन एरिया क्या होगा, बड़े ड्रॉप्स का एरिया माइनस छोटे ड्रॉप का एरिया. तो इन मिला के एरिया बड़ा बनेगा, मैंने बताया था. और नॉर्मल जो एरिया था सिंगल ड्रॉप का वो छोटा था. तो यहां पर चेंज इन एनर्जी जो आएगी वो किसके इक्वल आएगी, टी इंटू 27 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी. ठीक. अब एक काम करेंगे, स्मॉल आर को क्या पुट कर सकते हैं, टी 27 इंटू 4 पाई स्मॉल आर की जगह क्या पुट करेंगे इसमें, कैपिटल आर बाई 3 का स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. और फाइनली आर को क्या पुट करेंगे यहां से, डी बाई 2. तो जब यहां पर ये वैल्यूज को पुट करेंगे स्मॉल आर को डी बाई 2, तो फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है, फाइनल आंसर सॉल्व करने पे टी टाइम्स 2 पाई कैपिटल डी का स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा. ये रहा. तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि पहले आपने इसमें चेंज इन एरिया निकाला, आप रेडियस में काम करते जाएं कोई दिक्कत नहीं, और स्मॉल आर को कैपिटल आर में कन्वर्ट करने, एंड में कैपिटल आर को डी बाई 2 पुट करेंगे, आंसर आएगा. ठीक. ये क्वेश्चन देखें, सिक्स्थ. ठीक. पॉइंट्स को समझ में आ रहा है कि कैसे करना है चेंज इन एनर्जी. एक और क्वेश्चन करें ऐसा, ये 10 की पावर 6 है, प्लीज 106 नहीं है, दिस इज 10 raised to power 6. चलो आप इसे करेक्शन कर लेना, 10 की पावर 6 है ये. तो करना जरा क्वेश्चन सॉल्व.
इसके अंदर क्वेश्चन इज कि कैलकुलेट एनर्जी स्पेंड इन स्प्रेइंग. देखो अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा. तो आप एक बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप्स में स्प्लिट करना चाहते हो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा. और कितने ड्रॉप्स में ब्रेक करना चाहते हो 10^6 ड्रॉप्स में ऑफ सेम साइज, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा. तो वर्क डन क्या होता है, अभी डिस्कस किया, T इज इक्वल टू वर्क डन बाय चेंज इन एरिया. तो इसके लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, चेंज इन एरिया. तो सरफेस टेंशन T पता है आपको, इसमें R की वैल्यू पता है, 1 सेंटीमीटर बड़ा रेडियस पता है, 10^6 का मतलब है कि वॉल्यूम इनका सेम करना पड़ेगा. बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम इज इक्वल टू 10^6 इंटू छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम. तो यहां से पहले तो छोटे ड्रॉप का रेडियस आएगा यहां से, ठीक है यहां तक. तो यहां से आपके पास कैपिटल आर की वैल्यू आएगी 10^2 इंटू स्मॉल आर, या स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी. तो कैपिटल आर की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में गिवन है, स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 10^-2. फिर हम क्या निकालेंगे, चेंज इन एरिया. तो इनिशियल एरिया क्या है, बड़े ड्रॉप का एरिया 4π बड़ा आर स्क्वायर, और फाइनल सर्फेस एरिया क्या होगा, 4π इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 10^6 टोटल एरिया ऑफ ऑल ड्रॉप्स. तो ये फाइनल एरिया माइनस करेंगे तो चेंज इन एरिया. ठीक, तो यहां से आप माइनस कर लेना, चेंज इन एरिया आ गया. तो चेंज इन इंक्रीज हो गया ऑब्वियसली एरिया, बिकॉज छोटे छोटे ड्रॉप्स का एरिया बड़ा होगा, तो इंक्रीज इन एरिया आ गया. और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज टी इनटू इंक्रीज इन एरिया, बिकॉज टी क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया. तो टी इनटू इंक्रीज इन एरिया, टी की वैल्यू हमें पता है, इंक्रीज इन एरिया हमने निकाल लिया, तो इतने जूल्स का वर्क डन हमें करना पड़ेगा. इसके बाद जो करना है क्वेश्चन नंबर 12 करना है. ठीक, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो.
देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एक बात को समझो कि n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं और n नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन s ऑफ सेम रेडियस स्मॉल r कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल r. तो इस केस में क्या होगा कि छोटे छोटे ड्रॉप्स बड़े ड्रॉप पे आपने कन्वर्ट कर दिया. आपको ये बता रहे हैं कि चेंज इन टेम्परेचर किसके इक्वल होगा. ठीक, सबसे पहले होगा क्या, जब छोटे छोटे ड्रॉप्स बनेंगे या मिलेगा, एक बड़ा ड्रॉप बनेगा तो उससे क्या होगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी. क्योंकि छोटे ड्रॉप जब बड़ा ड्रॉप बनाएगा एनर्जी रिलीज होगी. पहले आप वो एनर्जी रिलीज निकाल लो, टी इन टू चेंज इन सरफेस एरिया. और इनका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम, क्योंकि छोटे ड्रॉप मिलकर बड़ा ड्रॉप बनाएगा तो वॉल्यूम तो सेम ही हो जाएगा. अब दूसरी चीज इसमें क्या होगा कि जो वो हीट एनर्जी आएगी वो बड़े ड्रॉप का टेम्परेचर क्या कर देगी, चेंज. तो फॉर बिग ड्रॉप, जो बड़ा ड्रॉप है उसके लिए आप क्या करेंगे, बड़े ड्रॉप के लिए यू विल अप्लाई एम इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर. तो एम सी डेल्टा थीटा. तो कोई भी चीज हम ये थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे, ये अगला चैप्टर हमारा यहीं से स्टार्ट है कि अगर एम मास है सब्सटेंस का, जो बड़ा ड्रॉप बना जिसका रेडियस कैपिटल आर है, उसका मास अगर एम है, स्पेसिफिक हीट अगर सी है और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा, जो भी आपने हीट एनर्जी निकाली या जो भी आपने एनर्जी रिलीज निकाली थी उसमें, एनर्जी रिलीज्ड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. अब इसके अंदर एक चीज याद रखनी है कि जो ड्रॉप है वो किसका बना हुआ है, वाटर का. वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है सी, वो थर्मोडायनेमिक्स में जैसे वाटर की डेंसिटी स्टैंडर्ड याद करते हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्पेसिफिक हीट भी याद करनी पड़ेगी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड होती है. कैलोरी के अंदर स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो 1 होती है. ठीक हो गया यहां तक, तो सी की वैल्यू याद कर ली आपने. अब प्रॉब्लम ये होगा कि जो आप ये एनर्जी निकालेंगे वो निकलेगी किसमें, जूल्स में. और क्योंकि स्पेसिफिक हीट किसमें चल रही है, कैलोरी में, तो ये किसमें चलेगी, कैलोरी में. और जूल कैलोरी के साथ इक्वेट नहीं हो सकते. तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैसे जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है और कैसे कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है. जैसे आपके पास 15 कैलोरी की हीट है और आप इसे जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4.2, तो किसमें आ गया, जूल में. तो याद रखना है 4.2. या फिर आप इसे अगर मान लो 15 जूल की हीट है और कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 4.2, तो किसमें आ जाएगा, कैलोरी. तो जूल, साइंटिस्ट ने यह पहली बार काम किया था, कन्वर्जन का फैक्टर बताया था. तो जूल ने कहा कि अगर आपको मेरी वैल्यू याद नहीं तो बस मेरे नाम का सिंबल लगा दो, जे, 15 इंटू जे. तो इसको जूल इक्विवेलेंट बोलते हैं कि वैल्यू जो भी होती होगी वो तो होती होगी, तो इसको जे से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जूल में आ जाएगा और इसको जे से डिवाइड करोगे तो आंसर कैलोरी में आ जाएगा. इसलिए आपके न्यूमेरिकल के अंदर क्या आया हुआ है, जे, जूल इक्विवेलेंट. तो आपकी एनर्जी किस में निकलेगी, जूल में. लेकिन आप काम किस में कर रहे हो, हीट में, और हीट यानी कि कैलोरीज में. तो आपको इसको जे से डिवाइड करके क्या करना पड़ेगा, कैलोरीज में जाना पड़ेगा. आप कर सकते हो ट्राई. तो जो आपने एनर्जी निकाली उसको इससे इक्वेट करो. और हाँ, ये मास पूछ रहा था, बड़े ड्रॉप का मास तो गिवन नहीं, पुट कर लो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, रेडियस तो पता लग ही गया. और डेंसिटी वाटर की सीजीएस में क्या होती है, 1. करो सॉल्व.
ठीक, तो इसके अंदर अब आपने क्या करना है, सबसे पहले एनर्जी रिलीज निकालने कितनी होगी। सबसे पहले वॉल्यूम इक्वेट करते हैं, तो वॉल्यूम इक्वेट में बड़े ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो एन टाइम्स छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो पहला स्टेप क्लियर है। तो इससे दोनों के रेडियस में रिलेशन आ गया, तो बड़ा आर क्यूब इज एन इंटू स्मॉल आर क्यूब। अब डिक्रीज इन सरफेस एरिया, क्योंकि छोटे ड्रॉप्स मिलकर बड़ा बना रहे, तो देखो डिक्रीज इन सरफेस एरिया कितना, नया सरफेस एरिया एन इंटू फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस फोर पाई बड़ा आर स्क्वायर। बड़े में से छोटा एरिया माइनस कर दिया, और छोटे ड्रॉप्स का एरिया हमेशा बड़ा होता है, ठीक, कॉमन आ गया। अब मुझे पता है कि एनर्जी रिलीज कितनी होगी, टी सरफेस टेंशन इंटू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला किया आपने, टी इज इक्वल टू वर्क डन या एनर्जी बाय डिक्रीज इन सरफेस एरिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू टी इंटू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। डिक्रीज इन सरफेस एरिया कितना है, ये सरफेस टेंशन का सिंबल, ये क्या कह रहा है, क्या यूज करना है, एस। तो ये आपके पास एनर्जी रिलीज की वैल्यू आ गई, यहां तक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, दिस मस्ट बी इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। देखो नेक्स्ट क्या करना है, MC डेल्टा थीटा में मास किसका, बड़े ड्रॉप का मास क्या होगा, बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 1 इनटू स्पेसिफिक हीट क्या होती है 1, और डेल्टा थीटा की जगह डेल्टा थीटा लिख लो या थीटा लिख लो, चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन ये किस में आएगा, कैलोरीज में। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक हीट हमने किस में यूज की है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो हीट तो कैलोरी में आएगी, पर हमने क्या करना है, इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो इसको जे से मल्टीप्लाई कर दो 4.2, तो कैलोरी किस में कन्वर्ट हो गया, जूल्स में। हमारी हीट भी किस में थी, जूल्स में, हमारी जो एनर्जी रिलीज थी सॉरी वो किस में थी, जूल्स में। ये हीट भी किस में है, जूल्स में। ये सारी की सारी एनर्जी जो रिलीज हुई वो हीट की फॉर्म में चली गई। अब सॉल्व करो, थीटा की वैल्यू आएगा जो प्रूफ करना है। याद है, क्लियर है। अब इसमें इक्वेट किया, इक्वेट करके आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब इक्वेट करके ये वैल्यू आ गई, तो इसके अंदर आर क्यूब इसके नीचे, आर क्यूब इसके नीचे ब्रेक कर लिया, ठीक। अब इसमें एन की वैल्यू को आप पुट कर सकते हो, या कैपिटल आर क्यूब को पुट कर सकते हो, एन इंटू स्मॉल आर क्यूब जो प्रूव किया था। तो यहां से आर स्क्वायर एक आर कैंसल, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये आपके पास चेंज इन क्या जाएगा, टेम्परेचर, ठीक।
मैं अभी जूल्स इक्विवेलेंट बता रहा था, हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, वैसे थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है वो। क्या कि जो हीट, स्पेसिफिक हीट होती है ना सी, इसके वाटर के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, ठीक। अब अगर कोई इसको जूल में लेना चाहे तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकता है वो 4.2 से मल्टीप्लाई करके, ये जूल पर ग्राम में आ गया। लेकिन कोई कहेगा सर ये जूल है ये ग्राम है ये सही नहीं है, ऊपर ऐसा है नीचे सीजीएस, तो एक काम करें 4.2 जूल 10^-3 केजी कर ले पर डिग्री सेल्सियस, तो सी की वैल्यू 4200 आ जाएगी जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। कोई कहेगा मुझे जूल में काम नहीं करना, मेरे को तो अर्ग्स में काम करना है, सीजीएस में जाना है, और ये सीजीएस सिस्टम नहीं होता प्लीज, कैलरी या जूल होता है या अर्ग्स होता है, तो हीट के यूनिट्स हैं। तो आप एक काम करो 4200 को 10^7 अर्ग्स बाय केजी पर डिग्री सेल्सियस, तो वो अर्ग्स में चला गया। लेकिन जैसे ही वो अर्ग्स में गया वो कहेगा देखो ये तो सीजीएस हो गया ये एसआई हो गया, तो फिर इसको भी ग्राम करो, तो 4200 × 10^7 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम ये वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 4.2 × 10^7 अर्ग्स में वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब कोई कहता है कि मेरी वैल्यू तो यहां तक आ चुकी है अर्ग्स में, मेरे को वापस से कैलरी में जाना है, फिर कन्वर्जन शुरू कर देगा वो क्या करेगा, अर्ग्स को पहले कैलरी में लेके जाएगा, कैसे, बाय डिवाइडिंग बाय 4.2 × 10^7, तो सीधा आंसर किसमें आ जाएगा, कैलरीज में, ठीक है। यहां तक ये सारे झंझट को हटाने के लिए जूल ने क्या कहा, कन्वर्जन न्यूमेरिकल में करते रहना, बस सिंपल आप ना यहाँ जे लगा देना, आपको किस में जाना है, आपको कैलरी में जाना है, तो कहते ठीक है इसको आप जे से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर कैलरी में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारी कन्वर्जन्स की वैल्यूज अगर डिस्कस नहीं करना चाहते कि 10^3 या 4.2, तो आप जे से सीधा मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, सीधा आंसर आ जाएगा। अब मैं आपका एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ, इसने सही बोला एक पॉइंट, क्या सही बोला, इसने कहा कि जो रेडियस है वो ना सेंटीमीटर्स में है, रेडियस मीटर में नहीं है, रेडियस सेंटीमीटर्स में, ठीक। तो जब मैंने एनर्जी निकाल ली, तो मैंने इसके यूनिट्स क्या बोल दिए, जूल्स, जबकि मैं आर किस में यूज कर रहा हूं, हाँ, तो मुझे क्या बोलने चाहिए थे, अर्ग्स। अर्ग्स अगर मैं यहां अर्ग्स बोलता हूं तो ठीक बोल रहा है कि आपको जूल नहीं यहां पर अर्ग्स बोलना चाहिए, और ये हीट किसमें होती है, कैलरी, इसको अगर आपने जूल अर्ग्स में कन्वर्ट करना है, ऐसे बोल देता हूं मैं, अगर आपको ये जो कैलरीज है इसको अर्ग्स में कन्वर्ट करना है तो किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4.2 × 10^7 उसकी जगह सीधा जे बोल दो, तो यहां पर जूल्स की जगह ना प्लीज अर्ग्स कर लेना, तो यार सेंटीमीटर, बाकी कोई चेंज नहीं है इसमें, बस बोलने का ही चेंज है, तो यहां पर जूल नहीं बोलना चाहिए मुझे, मैं यहां पर क्या बोल देता हूं, अर्ग्स। अब ठीक है, सही बोला पॉइंट, इसने सही बोला, यहां पर जूल नहीं होना चाहिए, यहां पर अर्ग्स, क्योंकि ठीक, या फिर रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लो, फिर कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, फिर अपने आप हीट किस में आएगी, जूल्स में, समझ में आ गया यहां तक, तो क्या इसमें मैंने क्या कैसे चेंज किया, ओके। सो ये जो पॉइंट था ये किसका पॉइंट डिस्कस हुआ अभी, सरफेस एनर्जी का, तो मेरे ख्याल से सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में हो रहा है, आ रहा है कि इसमें कैसे वर्क डन या एनर्जी निकालनी है वो कैसे निकलेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो एक्सेस प्रेशर का है, ठीक। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, हमने ये सारा पॉइंट कर लिए, अभी पॉइंट्स किए, अब नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे एक्सेस प्रेशर, ठीक। एक्सेस प्रेशर बेसिकली क्या है इसको एक बार हम समझेंगे, और एक्सेस प्रेशर नाम से ही पता लग रहा है कि एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक। तो जो एक्सेस प्रेशर है वो एक्स्ट्रा प्रेशर को बोलते हैं, फालतू प्रेशर। अब 2 मिनट के लिए समझो कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। एक जब बबल बनता है
एक बबल बना, एकदम आपने एक बबल को ब्लो किया, वो बबल की सरफेस टेंशन क्या चाहती है? ये मान लो एक बबल है, इसकी सरफेस टेंशन ये चाहती है कि ये बबल छोटा हो जाए, छोटा हो जाए, इसको सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी। बाहर का एटमोस्फेरिक प्रेशर भी ये चाहता है, पी नॉट स्टैंड फॉर एटमोस्फेरिक प्रेशर, कि बबल छोटा हो जाए, दबाएगा उसको हर तरफ से। अगर दो चीजें इसको दबा रही हैं तो या तो ये, क्योंकि इसके अंदर एयर है, अब एयर को कितना ही दबा लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और वो प्रेशर क्या करेगा, इसे रोकेगा और दबने से। कोई चीज जब बंद है और दबाओगे तो वो प्रेशर डेवलप कर लेगी अंदर, तो ये प्रेशर होता है इनसाइड का प्रेशर, अंदर का प्रेशर, बबल के अंदर का प्रेशर है। तो बबल के अंदर का प्रेशर दैट इज पी ऑफ आई, अगर आउटसाइड का प्रेशर यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन भी फोर्स लगा रही है तो प्रेशर लगा रही है एरिया के ऊपर, अगर बैलेंस हो जाता है फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ना ये बड़ा होगा ना ये छोटा होगा। लेकिन अगर ये बड़े हो जाते हैं और इनसाइड का प्रेशर उतना डेवलप नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली ये छोटा हो जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा तो हो सकता है ये बस्ट भी हो जाए। अब ज्यादा अगर दबा दोगे उसे तो ऑब्वियसली एयर है वो कहीं ना कहीं बाहर तो निकलेगी निकलेगी, तो वो बस्ट हो जाएगा। तो अब समझ में आ रहा हो कि बबल्स बस्ट क्यों जाते हैं कभी कभी, क्योंकि वो प्रेशर डिफरेंस मेंटेन हो नहीं पाता। ठीक, बट चलो हम बस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बस्ट कर दिया तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस्ट नहीं करेंगे, हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। कि मान लो एक बबल है और बबल एक इक्विलिब्रियम में आ चुका है, अब ना वो छोटा हो रहा है ना वो बड़ा हो रहा है, सरफेस टेंशन चाहती है कि वो छोटा हो, पर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो और ज्यादा एक लिमिट के बाद उसको छोटा कर नहीं पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि अंदर से प्रेशर ऐसा लग रहा है जो उसको छोटा होने नहीं दे रहा। ठीक, तो जो अंदर का प्रेशर है, इनसाइड का प्रेशर, वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा, जितना प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन का होगा। तो अगर मान लो, अगर मैं ये बोलता हूं कि अंदर का प्रेशर बड़ा होगा कि छोटा होगा, एटमोस्फेरिक से पक्का बड़ा होगा, अगर एटमोस्फेरिक ही बड़ा होगा फिर तो कोलैप्स हो ही गया वो, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर से बड़ा होना पड़ेगा। तो कितना बड़ा होना पड़ेगा एटमोस्फेरिक से, इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर का मतलब होता है कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से, दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर से, कितनी अमाउंट से बड़ा है। ठीक है, यहां तक इसको हमने अब इस वैल्यू को निकालना है। ठीक, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन या इसको अगर डराइव करना है तो इसके अंदर सबसे पहला काम कि अंदर का प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये पहली पॉइंट, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर आप प्रेशर्स को प्रेशर से इक्वेट कर लो तो भी ठीक, ये प्रेशर कहाँ लग रहा है, 4πr² पे लग रहा है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दोनों की जो फोर्स है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, मतलब अगर मैं इनको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो एक्सेस फोर्स है वो प्रेशर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के अगर इक्वल हो जाए तो भी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस को प्रेशर से इक्वेट किया, फोर्स के यूनिट को फोर्स से इक्वेट किया, या फिर फोर्स की जगह हमें काम करते हैं, हम वर्क डन की बात करते हैं, इनसाइड के प्रेशर ने आउटसाइड के प्रेशर को से बड़ा है, इसने कुछ वर्क डन किया, क्या वर्क डन किया, इसने जो बबल था इसका एरिया बड़ा कर दिया बाहर की तरफ, लेकिन सरफेस टेंशन चाहती है कि एरिया छोटा हो जाए, बाय अमाउंट ऑफ डेल्टा आर ग्रे बड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरफेस टेंशन चाहती है कि डेल्टा आर छोटा हो जाए। तो जितना ये वर्क डन करेगा और जितनी एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन, एनर्जी या वर्क डन ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो मर्जी बोल लो, तो इसका मतलब अगर इक्विलिब्रियम आता है और एक जो बबल है अपना एक फिक्स साइज एक्वायर कर लेता है, ना तो बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है, या तो अपने क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि एक्सेस प्रेशर सरफेस टेंशन के प्रेशर के इक्वल है, या एक्सेस फोर्स इनसाइड की फोर्स एटमोस्फेरिक फोर्स से फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के इक्वल है, या फिर वर्क डन और एनर्जी इक्वल है। तो ये भी जूल, ये भी जूल, न्यूटन न्यूटन, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, आप जैसे मर्जी कर लो। कई बुक्स अपना क्वेश्चन प्रेशर डिफरेंस से कैलकुलेट करती हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है प्रेशर से कैलकुलेशंस करना,
तो जब एडवांस क्लास लगेगी तो उसके अंदर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा दूसरे मेथड से, थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास में रखूंगा उसको प्रेशर से। आज सबसे आसान तरीका होगा और इससे आसान नहीं कुछ हो सकता, और वो क्या है, वर्क डन एनर्जी। ना तो कोई वेक्टर का चक्कर है, ना डायरेक्शंस का चक्कर है, एनर्जी कैलकुलेट करो, वर्क डन कैलकुलेट करो, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हम जो बेसिक मेथड फॉलो करने जा रहे हैं वो ये मेथड होगा। हम क्या करेंगे, हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे कि इसने कितना वर्क डन किया, ताकि वो बबल थोड़ा बड़ा या छोटा हो जाए, जो भी उसने वर्क बड़ा करने का वर्क डन होगा, छोटा क्यों करेगा। और वो जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाएंगी एनर्जी की फॉर्म में। और कौन सी एनर्जी, एनर्जी सरफेस के ऊपर, और सरफेस की एनर्जी को क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। अब मैं आपको इसको समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके देना चाहता हूं। सपोज करो एक मिनट के लिए कि एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग को आप खींचते हो, वो खींचना नहीं चाहता, अपने इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, रेस्ट पे रहना चाहता है, पर आप चलो जबरदस्ती उसको खींचते हो, आप क्या कर रहे हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन ठीक कर रहे हो, आपने खींच के रखा हुआ है, वो वर्क डन उस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग एनर्जी। आप उसको छोड़ के देख लो, देखो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, ऐसे होता है। तो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं किसकी, वर्क एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग की, तो हम क्या कर लेते हैं, उसके अगेंस्ट वर्क डन कर लेते हैं। तो अगर कोई भी चीज के अगेंस्ट वर्क डन करें और उस वर्क डन को छोड़ दें और वो चीज वापस वहीं पर आ जाए, हम क्या बोलते हैं, उस बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे सेकंड एग्जांपल है, आप एक ऑब्जेक्ट को अर्थ ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाओ, आपने अगेंस्ट उठाया, ग्रेविटी नहीं चाहती, ग्रेविटी चाहती है कि ये नीचे आए, तो आप क्या करोगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे, एमजीएच। जो वर्क डन करोगे वही क्या स्टोर हो जाएगी बॉडी के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चाहे आप उसे हाथ में पकड़ के रखो इक्विलिब्रियम में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनर्जी उसके अंदर डेवलप हो चुकी है। इसके अंदर भी सेम है, सरफेस टेंशन चाहती है कि ये क्या हो जाए, बबल या ड्रॉप, छोटा, पर अंदर का प्रेशर इतना डेवलप हो चुका है कि वो उसको क्या कर रहा है, बड़ा। तो मान लो उसने डेल्टा आर बड़ा कर दिया, ठीक, डेल्टा आर बड़ा कर दिया और उसको वहां इतना वर्क डन किया कि उससे बड़ा वो कर नहीं पा रहा, अंदर का जो वर्क डन है जो इन्होंने किया इस प्रेशर ने, तो डेल्टा आर उसको बड़ा कर दिया, उससे ज्यादा वो कर नहीं पा रहा, वहीं रुक गया। और अगर सोचो अंदर से ये वर्क डन ना करता तो सरफेस टेंशन उसको छोटा कर देती, आप अगेंस्ट सरफेस टेंशन काम कर रहे हो। तो जब आप अगेंस्ट कोई फोर्स काम कर रहे हो, जबकि वो फोर्स चाहती है कि बबल छोटा हो, आपने क्या कर दिया, उसे बड़ा कर दिया और रोक के रखा वहीं पर, एक फिक्स साइज कर दिया, इक्विलिब्रियम आ गया। इसका मतलब है कि जो भी आप वर्क डन करेंगे वो उस ड्रॉप के अंदर या बबल के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आप देखना चाहते हैं कि सच में एनर्जी स्टोर हुई कि नहीं हुई, आप अंदर का किसी तरीके से प्रेशर कम कर दें, जैसे प्रेशर कम करेंगे अंदर का तो बबल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो चुकी है। और सरफेस टेंशन की एनर्जी को क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। वो सरफेस के अंदर जो एनर्जी होगी वो उसे छोटा कर देगी, लेकिन वो कर नहीं पा रही क्योंकि अंदर से इक्वलेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन होता जा रहा है। ये वही केस है कि जैसे अगर मैंने स्प्रिंग को खींच के रखा हुआ है और स्प्रिंग चाहता है कि वो छोटा हो जाए, पर मैंने इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया हुआ है कि उसकी एनर्जी के इक्वल है, तो स्प्रिंग ना बड़ा होगा ना वहां पर छोटा होगा, लेकिन जैसे ही मैं अपना वर्क डन कम करता हूं स्प्रिंग की एनर्जी है उसे छोटा कर देगी, ऐसे ये बबल छोटा हो जाएगा। लेकिन इसलिए छोटा नहीं हो पा रहा क्योंकि दोनों की एनर्जी और वर्क डन सेम हो चुके हैं। तो मैं कुछ यही करने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा कि एक, मैंने सबसे पहले दो केस करेंगे, पहले ड्रॉप का केस करते हैं, बबल की जगह उसने पहला केस ड्रॉप का ले लिया, हार्डली मैटर्स, एक ही बात है, ड्रॉप या बबल में एक ही फर्क है कि एक्सेस प्रेशर अगर आपने किस में कैलकुलेट करना है, ड्रॉप में, एक लिक्विड का ड्रॉप है, तो लिक्विड के ड्रॉप के अंदर पहली बात तो लिक्विड है, फर्क सिर्फ एक है, जो ड्रॉप होता है उसमें सरफेस टेंशन सिर्फ बाहर होती है, एक ही सरफेस टेंशन उसको दबाने की कोशिश करती है। बबल के अंदर अंदर भी सरफेस टेंशन है और बाहर भी सरफेस टेंशन है, बबल में दो फ्री सरफेस होती हैं, तो अंदर के मॉलिक्यूल भी वर्क डन करेंगे और बाहर के मॉलिक्यूल भी वर्क डन करेंगे, तो डबल वर्क डन कैलकुलेट होता है। इसलिए दोनों के रिजल्ट में टू फैक्टर का डिफरेंस आता है, एक में टू आता है, एक में टू नहीं आता। मैं करके दिखाता हूं, पहले ड्रॉप लेते हैं, एक ड्रॉप का रेडियस कितना था, आर था,
अंदर का प्रेशर पी आई है, बाहर का पी नॉट है, तो एक्सेस प्रेशर कितने है, पी आई माइनस पी नॉट है। अब हुआ क्या, सपोज करो पहले रेडियस आर था और इन्होंने क्या किया, डेल्टा आर बड़ा कर दिया रेडियस। तो जब डेल्टा आर बड़ा किया तो रेडियस आर प्लस डेल्टा आर हो गया। तो ऐसे केस में एक्स्ट्रा प्रेशर, अंदर का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो एक्सेस प्रेशर इतने, इतने प्रेशर ने कितने एरिया पे काम किया था, 4πr² पे किया था। और 4πr² एरिया पे जब काम किया तो उससे हुआ क्या, डेल्टा आर रेडियस बड़ा हो गया, तो ये अमाउंट ऑफ फोर्स है, और इस फोर्स ने कितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवा दी, डेल्टा आर। तो ये अमाउंट ऑफ क्या आ गया, वर्क डन डी डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू या डी डब्ल्यू। स्मॉल वर्क डन आपने कैलकुलेट करवाई जिसके अंदर फोर्स, जो एक्सेस प्रेशर फोर्स लगा रहे, इनटू स्मॉल चेंज इन एरिया। ये पहला स्टेप क्लियर, ये आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया जो आपने किया। अब क्योंकि वहीं वहां पर जाके ये बबल या ड्रॉप जो भी है इक्विलिब्रियम में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर अगेंस्ट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, ये किसके अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, एंड इज स्टोर्ड इन अ ड्रॉप, ड्रॉप के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्यों, क्योंकि वो डेफिनेशन प्रेशर डिफरेंस से बना रहा है, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर की वजह से जो वर्क डन है वो प्रेशर एनर्जी है, जिसको आपने पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी दिया, क्योंकि जो वर्क डन की कैलकुलेशन है वो प्रेशर के डिफरेंस से हो रही है, प्रेशर का डिफरेंस इनटू एरिया और इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैलकुलेशन कैसी होगी, हमने डिस्कस किया कि डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी या एनर्जी की वैल्यू या वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो सरफेस टेंशन के हिसाब से सरफेस टेंशन टी है, और एरिया चेंज कितना हुआ, पहले एरिया कितना था इतना, अब एरिया कितना हो गया, इतना हो गया आर प्लस डेल्टा आर। तो यहां से ओपन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये तीन टर्म्स आएंगी, डेल्टा आर बहुत बहुत छोटा होता है, डेल्टा आर का स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, कैन बी निग्लेक्टेड, इसको छोड़ दो, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू आएगी डेल्टा यू वो इसके इक्वल आ जाएगी बस। तो ये एनर्जी किसकी वजह से है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये डेवलप हो गई, क्यों डेवलप हुई, बिकॉज देयर इज सम चेंज इन एरिया, 4πr प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 4πr², एंड व्हेन देयर इज सम चेंज इन एरिया तो देयर इज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द ड्रॉप, तो ये आपके पास एनर्जी स्टोर्ड है। और इक्विलिब्रियम के अंदर जब वो ड्रॉप रुका हुआ है और दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को दोनों, तो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, डेल्टा आर से डेल्टा आर क्या हो गया कैंसल, पाई से पाई कैंसल, तो आपके पास एक्सेस प्रेशर कितना आ गया 2T/r। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। ठीक है यहां तक, तो आपने क्या करना है, आपने पहले अपना वर्क डन निकालना है, अपने अमाउंट ऑफ वर्क डन को एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन के इक्वल कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। और नेक्स्ट में बबल है, बबल में बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 तक आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन बिल्कुल सेम है, बस फर्क यह है कि जब आप सरफेस टेंशन की एनर्जी निकालते हो, यहां तक बिल्कुल सेम है, जब आपने वो होल स्क्वायर को ओपन किया था माइनस करके कैंसिल किया था डेल्टा आर स्मॉल, तो आपका आंसर ये आया था, इसमें 2 आएगा, क्यों, क्योंकि अंदर भी सरफेस टेंशन है बाहर भी सरफेस, तो दो दो एनर्जीज होंगी अंदर से भी और बाहर से भी। अब इक्वेट करेंगे जब दोनों को, तो आंसर के अंदर भी 2 का फर्क आएगा, पहले आंसर आया था 2T/r, अब कितना आएगा 4T/r। कैसे, बबल के केस में ऐसा होता है ना, ये बबल है, अंदर एयर है बाहर भी एयर है, तो कुछ मॉलिक्यूल अंदर होंगे कुछ बाहर होंगे, तो ये भी वर्क डन करेंगे ये भी वर्क डन करेंगे, वो अलग है ये अलग है, बीच में लाखों मॉलिक्यूल हैं जो बात नहीं कर रहे। ठीक है यहां तक, तो आज की बात ये तो एनसीईआरटी में आ सकता है, खैर एक्सेस प्रेशर सीधा ऐसे ही प्रूव करना है, कई स्कूल में आया भी था जिनका 1 तारीख को पेपर है। तो बस ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर मान लो ये ड्रॉप है, लिक्विड का ड्रॉप, लिक्विड के ड्रॉप में अंदर का प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस क्या होता है 2T/r, वेयर आर इज रेडियस ऑफ ड्रॉप, और दूसरा केस क्या है बबल। तो बबल के केस में अंदर का प्रेशर पी आई है, बाहर का एटमोस्फेरिक है, तो बबल के केस में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा 4T/r। ये रिजल्ट को आपने याद रखना है। ठीक, एक सेकेंड,
अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सपोज ये देखो, लेट अस सपोज ये आपके पास एक बबल है, बबल वाटर के अंदर है, पानी के अंदर है, ठीक। तो ये एक बबल है लेकिन बबल वाटर के अंदर है। अब कितनी सरफेस टेंशन है, एक की दो? एयर एक तो है, एयर अंदर वाले मॉलिक्यूल्स तो एयर और वाटर के कांटेक्ट में हैं, तो अंदर दो कैसे? ये बाउंड्री जो वाटर है, वाटर के बाहर तो खुद ही वाटर है, वो कैसे लगाएगा? अगर मैं बबल लेता था एयर में, बाहर एयर है अंदर भी एयर है, तो ये इसको थिक करके देखना, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स और बाहर भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो अंदर भी सरफेस टेंशन है बाहर भी सरफेस टेंशन है। देख, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसमें एक ही सरफेस टेंशन होगी इनसाइड। तो ऐसे केस में जो एक्सेस प्रेशर बनेगा इसके अंदर, अंदर का प्रेशर और आउटसाइड का प्रेशर, अब वो 40/R नहीं होगा, वापस से 2T/R, क्योंकि टू फैक्टर कट जाएगा इसमें। वही तो इनसाइड का प्रेशर है, फिर एयर का कॉलम H रो जी नहीं, ये एच रो जी इसमें लगाएगा, ये सही कह रहे हैं। देखो इधर ये कह रहे हैं इसमें एच रो जी भी लगाओ, मान लो ये सरफेस के बहुत ही ऊपर है, बहुत ऊपर है, तो एच रो जी का फैक्टर भी निगलेक्ट ही है। वैसे ऑब्जेक्टिव आते हैं जिसमें कोई कहेगा कि एक बबल है वो एच डिस्टेंस पे जाके बन गया, तो फिर आप ऐसे बोलेंगे जैसे इसने क्वेश्चन पूछा है, बता देता हूँ इसका आंसर, कि मान लो एक बबल है, सेम ये देखो एक बबल है, ये बबल ये लो, ये वाटर की सरफेस है, वाटर की सरफेस के नीचे है, वाटर की सरफेस के नीचे है, और अंदर का प्रेशर कितना है? पी आई है। आपको बताना है कि इस बबल के अंदर का प्रेशर कितना है, ये क्वेश्चन है। मुझे पता है कि बबल के अंदर का जो प्रेशर होगा वो आउटसाइड एटमोस्फेरिक प्रेशर से कितना बड़ा होगा, इस केस में 2T/R, वैसे 40/R होता है बबल के केस में, पर यहां पर 2T/R लगा दिया। तो इनसाइड का प्रेशर क्या आना चाहिए था? एटमोस्फेरिक तो आना ही चाहिए था, साथ में 2T/R भी आना चाहिए था, पर ये कह रहा है मेरा बबल तो एच डिस्टेंस नीचे है मान लो सरफेस से, तो वाटर कॉलम भी तो लगाएगा प्रेशर, तो एंड में इसमें ऐड कर देना एच रो जी, तो ये इनसाइड का प्रेशर नेट ही आएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, आपकी शीट के अंदर भी आएगा, तो इसका यही आंसर मार्क करना आप। निकाल लेंगे, असली चीज यह है कि बबल में 2T/R क्यों लग रहा है, ये समझ में आ रहा है जब वो वाटर में है, लेकिन अगर वो एयर में ही होता तो फिर सारे रिजल्ट्स 40/R से आते। ये हमने डिस्कस किया हुआ है मेनिस्कस का लास्ट टाइम, कि फोर्स ऑफ एडहेजन कोहेजन जिससे कि मेनिस्कस ऐसा बन जाता है, ठीक है। अब इसी चीज को एक और तरीके से करते हैं, जो एक्सेस प्रेशर किया वो ये कि आप ओपन कर सकते हो ये जो एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक्सेस प्रेशर कौन सा पेज है, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16।
एक्सेस प्रेशर के अंदर हमने क्या किया कि मान लो एक लिक्विड की सरफेस है, लिक्विड ड्रॉप है और बाहर एयर है, तो वो डिफाइन करता है कि जो एयर की बाहर वाली सरफेस है वो कन्वेक्स सरफेस है, जो अंदर वाली सरफेस है वो कनकेव सरफेस है। ठीक, हालांकि जरूरत नहीं है, हम लोगों को सीधे रिजल्ट्स याद हैं कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से बड़ा ही होगा, पर उसने स्टेटमेंट बना दी कि कनकेव का प्रेशर, कनकेव साइड का प्रेशर कन्वेक्स साइड के प्रेशर से बड़ा ही होगा। तो पहले डिफाइन कर दिया अंदर का सरफेस कनकेव है, बाहर का कन्वेक्स है, फिर ये रिजल्ट बना दिया कि जो कनकेव सरफेस होगी उसका प्रेशर कन्वेक्स से बड़ा होगा। और वो कहते हैं कि सिर्फ ड्रॉप के अंदर ही नहीं, ये हर जगह वैलिड है। अगर आपको कोई मेनिस्कस भी दिख जाता है, मेनिस्कस की शेप ये कन्वेक्स है ये कनकेव है, तो कनकेव का प्रेशर कन्वेक्स से बड़ा होगा, जिसमें करके दिखाऊंगा। तो कनकेव कन्वेक्स के टर्म में अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर की सरफेस कनकेव है बाहर की कन्वेक्स है। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे उसने बोला ड्रॉप का केस लेते हैं, तो ड्रॉप के केस में इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर, और आउटसाइड का प्रेशर क्या होता है, पी एटमोस्फेयर से बड़ा होगा बाय एन अमाउंट ऑफ 2T/R। ये रिजल्ट हमने कर लिया। फिर वो ये डिस्कस करेगा कि अगर मान लो ये ड्रॉप है, लेकिन ये ड्रॉप किस में पड़ा हुआ है, वाटर में पड़ा हुआ है, तो हमने सीधा ही कर लिया वाटर के अंदर पड़ा हुआ है तो सरफेस टेंशन दो नहीं होगी, सरफेस टेंशन तो एक ही होगी, और आंसर क्या होगा, 2T/R। हमें मालूम है रिजल्ट, पर उसने कैसे किया, उसने कहा कि जो एयर की सरफेस है वो कनकेव मानी जाएगी, वाटर की सरफेस कन्वेक्स मानी जाएगी, कनकेव का प्रेशर कन्वेक्स से बड़ा होता है, अंदर का प्रेशर बाहर से बड़ा होगा, और बाय अमाउंट ऑफ 2T/R। मतलब सेम चीज को कनकेव और कन्वेक्स की फॉर्म में कैसे बोलना है, बस ये बताया। अदरवाइज तो रिजल्ट हमें आते हैं कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से बड़ा ही होगा। ये रिजल्ट भी क्लियर है। फिर उसने ये बताया कि मान लो एक सोप बबल लेते हैं, तो ये लो, ये मैंने एक बबल ले लिया। ठीक, हमने एक रिजल्ट किया बबल के अंदर कि अंदर का प्रेशर अगर P2 है कहीं पर भी और बाहर का एटमोस्फेरिक P1 है, तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कितना बड़ा होगा, बाय अमाउंट ऑफ 4T/R, क्योंकि ये भी एयर है और ये भी एयर है। डन, ये हमने किया रिजल्ट। पर उसने इस चीज को एक और डीप में थोड़ा और एनालिसिस किया। उसने कहा कि ये एयर है, बीच में लाखों मॉलिक्यूल्स आएंगे वाटर के, फिर एयर आएगी, तो उन लाखों मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेशर को हमने डिस्कस नहीं किया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसने कहा एक काम करते हैं, थोड़े माइक्रोस्कोपिक लेवल में चले जाते हैं और उसके अंदर हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं देखने के लिए। वैसे ये बहुत थिन होता है, थिन है, लेकिन हमने क्या किया, इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमें इसको देखने में मिले ऐसे। तो डायग्राम ऐसा बन गया, थोड़ा थिन को थिक कर दिया मैंने, तो ये डायग्राम बना इसमें। तो कहते हैं कि मान लो यहां प्रेशर P2 है, बाहर प्रेशर P1 है, और लेट अस सपोज वाटर की जो सरफेस है उसके अंदर चले जाओ, यहां प्रेशर P डैश है। ठीक है यहां तक? तो उसने एक और पॉइंट कंसिडर कर लिया बबल के अंदर जाके, सोप फिल्म के अंदर जाके, जबकि यहां एयर है, यहां एयर है, इस सरफेस में वाटर है, तो अंदर चला गया और वहां प्रेशर कितना था, P डैश था। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो तीन प्रेशर हो गए। तो उसने कहा कि देखो, अगर आप सिर्फ ये पहली सरफेस लेते हो, ये वाली और ये वाली, तो अंदर का सरफेस कनकेव है, बाहर का कन्वेक्स है, तो P डैश P1 से बड़ा होगा बाय एन अमाउंट ऑफ 2T/R। 2T/R क्यों? क्योंकि यहां वाटर है, बाहर एयर। अब इसको छोड़ दो, अब आपने इसको और इसको देखना है, तो इनके बीच में ये एयर है और ये वाटर है, तो P डैश का प्रेशर P1 से बड़ा होगा बाय एन अमाउंट ऑफ 2T/R, 4T/R में। ठीक है यहां तक? उसी तरीके से उसने कहा कि एक इंटरफेस और लेते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अब इसके बीच में नीचे एयर है, ऊपर वाटर है, फिर से एक फ्री सरफेस है, यानी कि उसने इकट्ठा पढ़ने की बजाय ब्रेक कर लिया, पहले इसको देख लिया, फिर इसको देख लिया। तो अब वो कह रहे हैं कि ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है, तो यहां से P डैश से बड़ा होगा अगेन बाय अमाउंट ऑफ 2T/R। उसने स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाया कि कनकेव सरफेस कन्वेक्स से बड़ा होगा और हमेशा अमाउंट 2T/R होगा। तो दो बार इक्वेशन लिख दी, एक बार इसकी और इसकी लिख दी, एक बार इसकी इसकी लिख दी, और जब इसने ऐड किया इन्हें, तो इंटरमीडिएट पानी का प्रेशर कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर क्या आ गया, P2 - P1 इज इक्वल टू, जो रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है। हम इस रिजल्ट को सीधा करते हैं, लेकिन उसने इंटरमीडिएट करके दिखाया, लेकिन इंटरमीडिएट प्रेशर को उसने कैंसिल भी करके दिखाया। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? आ रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में करेक्शन करो, यहां पर P डैश आएगा,
इक्वेशन नंबर टू में पी टू माइनस पी डैश करो प्लीज, करेक्शन करो यहाँ पर, आपकी बुकलेट के अंदर ये पी वन है, गलती से पी वन डल गया, पी डैश होना चाहिए था। ये इक्वेशन है देखो ना, पी टू माइनस पी डैश इज 2t/r, और जब ऐड करोगे तो पी टू माइनस पी वन की वैल्यू 4t/r आ जाएगी। ठीक, कोई डाउट इसमें समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कैपिलरी एक्शन, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, जिसके ब्रैकेट में लिखा हुआ एसेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है ये भी, स्कूल के अंदर ये पूछा गया, अभी मॉडल स्कूल का पेपर हुआ था, उन्होंने 2t/r प्रूव करने को दे दिया और एक ये भी दे दिया, दोनों चीजें आ गई। ठीक, तो कैपिलरी एक्शन देखने से पहले एक चीज और देख लें कि सपोज ये तीन ट्यूब्स हैं, देख रहे हैं इन ट्यूब्स में, इन ट्यूब्स के अंदर ये एक सरफेस फ्लैट है, ये मेनिस्कस एस है, ये मेनिस्कस एस है, मर्करी का होगा, ये वाटर का होगा, और एक चीज तो पक्की है कि मेनिस्कस इसलिए बनता था क्योंकि फोर्स ऑफ एडहेजन और कोहेजन का गेम था, मैंने बताया था, तो इसलिए मेनिस्कस बनता था। ठीक, अब अगर मैं कनकेव और कन्वेक्स का रूल लगाऊं, तो अगर आप कोई पॉइंट इसके ऊपर लेंगे ट्यूब के, कोई भी इमीडिएट ऊपर और इमीडिएट नीचे, और सरफेस अगर फ्लैट है, तो प्रेशर ऊपर एटमोस्फेरिक है, नीचे भी एटमोस्फेरिक ही होगा, पी नॉट होगा, इसलिए सरफेस फ्लैट है। मतलब अब मैं एक्सप्लेनेशन चेंज कर रहा हूं, मैंने पहले एक्सप्लेनेशन जो दी थी लास्ट लेक्चर में वो थी बाय फोर्स ऑफ एडहेजन एंड कोहेशन, लेकिन एडहेजन कोहेजन की वजह से, फोर्सेस की वजह से, एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और अगर आपकी सरफेस फ्लैट है तो पी नॉट ही रहेगा। हाँ, आप कहोगे सर यहां पर पॉइंट लो, हाँ फिर एचरोजी ऐड हो जाएगा, लेकिन इमीडिएट ऊपर बोला तो वाटर कॉलम का प्रेशर नहीं लेना आपने, एटमोस्फेरिक ही रहेगा। लेकिन अगर आपका मेनिस्कस एस है तो ऊपर का प्रेशर बढ़े, एटमोस्फेयर ज्यादा प्रेशर लगा रहा है अंदर के प्रेशर से, और अंदर का प्रेशर कम होगा बाय एन अमाउंट ऑफ 2t/r। देखो ना, जो कर्व्ड सरफेस होती है, अभी हमने रिजल्ट भी किया हमेशा कि हमेशा इस केस में जो कनकेव सरफेस होती है वो कन्वेक्स से बड़ा ही होगा प्रेशर में बाय 2t/r। जैसे ये आपने कर्व देख लिया, इस कर्व के इस तरफ प्रेशर हमेशा इस तरफ से ज्यादा ही होगा, अभी किया ना, तो देखो ना, अगर मैं इस सरफेस को, ये देखो ये ट्यूब है, ये मेनिस्कस है, ये मेनिस्कस है, ठीक, और अगर सपोज करो अगर मैं इस मेनिस्कस को इमेजिनरी एक स्फेयर बनाऊं सच दैट दिस आर इज रेडियस ऑफ दिस मेनिस्कस, और स्पेशली लिखा भी हुआ है इसमें आर का मतलब ट्यूब का रेडियस बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आर का मतलब मेनिस्कस का रेडियस है, और मेनिस्कस का रेडियस का मतलब क्या होता है, इसको इमेजिनरी स्फेयर बनाना पड़ेगा, उसका रेडियस इज मेनिस्कस का रेडियस, जबकि ट्यूब का रेडियस कुछ और आएगा। हमें ट्यूब के रेडियस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है, मेनिस्कस, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं 2t/r इसमें मेनिस्कस का रेडियस होता है, और 2t/r या 4t/r में r इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस एंड नॉट ट्यूब। तो अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं, इस तरीके से मैं बना दूं, तो मुझे पता है कि यहां का प्रेशर यहां के प्रेशर से ज्यादा ही होगा बाय एन अमाउंट ऑफ 2t/r, क्योंकि अंदर ये वाटर है, ये वाटर है और ये एयर है, इसमें एक फ्री सर्फेस बनेगी यहां पर, तो अंदर यहां का प्रेशर यहां के प्रेशर से बड़ा होगा, तो ये मैं, और या फिर उल्टा बोलूं, यहां का प्रेशर इसके प्रेशर से कम होगा, यहां का प्रेशर इसके प्रेशर से बड़ा होगा, ये यहां का प्रेशर इसके प्रेशर से छोटा होगा, तो वही बोल रहा हूं मैं कि यहां का प्रेशर अंदर का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से छोटा होगा बाय एन अमाउंट ऑफ 2t/r। ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ये पॉइंट समझ में आया, तो सीधा रिजल्ट है। और इस केस में अगर मेनिस्कस ऐसे है तो अब बाहर का प्रेशर कम होगा, अंदर का ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि अगर ट्यूब ऐसी है और मेनिस्कस ऐसा है, तो अगर मैं इमेजिनरी इसका मेनिस्कस बनाऊं स्फेरिकल, तो यहां का प्रेशर अब ज्यादा होगा, इनसाइड का बाहर का कम होगा, तभी तो मेनिस्कस ऐसा है ऊपर को। अच्छा, ऐसे कर लो, चलो अंदर का प्रेशर पी आई है, बाहर का प्रेशर पी नॉट है, यहां का प्रेशर बड़ा होगा, पी आई पी नॉट से बड़ा होगा एटमोस्फेरिक से बाय अमाउंट ऑफ 2t/r, तो इनसाइड का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस 2। अब ठीक है, इनसाइड का प्रेशर, अच्छा यहां भी लगा के दिखाऊं, ये देख, सपोज
यहां का प्रेशर पी इनसाइड है, यहां का प्रेशर पी आउटसाइड है यहां पे, तो इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर से नीचे के पॉइंट से बड़ा होगा बाय 2t बाय r, तो आउटसाइड का प्रेशर क्या होगा, पी इनसाइड माइनस 2t बाय, अब ठीक है यहां का प्रेशर माइनस क्यों किया, ठीक ठीक है यहां तक, तो सेम रिजल्ट लगा रहे हैं इसमें 2t बाय r, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर ऐसे याद नहीं रहता कौन बड़ा कौन छोटा, तो अपने मन में एक शॉर्टकट लगा लो, एक फिल्म है, एक शीट है, वो फट नहीं सकती। तो मान लो अगर किसी ने यहां पर प्रेशर लगाया अपने हाथ से शीट के ऊपर नीचे बराबर, शीट प्लेन रहेगी, ये ना केस, ऊपर नीचे बराबर देखो। अगर किसी ने ये देखो ज्यादा प्रेशर लगा दिया ऊपर से, नीचे से नहीं लगा पाया, देखो शेप ऐसी हो गई, ऊपर का प्रेशर बड़ा नीचे का कम है, तो नीचे का कम का मतलब माइनस टू टी बाय आर। अब लास्ट ये रहा, अब यहां का प्रेशर बड़ा है ऊपर से बाय एन अमाउंट ऑफ टू टी बाय आर। मतलब याद रखने का तरीका है, तरीके तो बहुत हैं पर उनमें से ये भी एक तरीका है, ठीक है। मतलब जहां आपको कर्व दिख जाए ना, यानी कि वहां का प्रेशर बड़ा है और दूसरी तरफ इसका छोटा है। इनसाइड नीचे वाला नहीं होता, इनसाइड का मतलब होता है कि जब स्फेयर बनाते हैं तो अंदर जो चला जाएगा स्फेयर के वो इनसाइड होता है। स्फेयर तो इमेजिनरी बनेगा ना, अंदर जाना पड़ेगा तेरे को, वो इनसाइड कहलाएगा, ठीक। ओके, अब शुरू करते हैं एसेंट फॉर्मूला का मेथड नंबर वन से प्रूफ। बहुत आसान मेथड है मेथड नंबर वन, मेथड नंबर टू थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर यह बहुत आसान है। हम कैपिलरी एक्शन की बात करते हैं, लेकिन कैपिलरी एक्शन से पहले एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर ट्यूब बड़ी है, और मैं आंसर देना चाहता हूं, अगर ट्यूब बड़ी है तो उसका मेनिस्कस क्यों नहीं बनता, फ्लैट सा हो जाता है। मैंने बताया था लास्ट टाइम कॉर्नर्स पे, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि कॉर्नर्स पे फोर्स ऑफ एडहेशन कोहेजन लगती है तो वहां तो मेनिस्कस बनेगा, लेकिन बीच में नहीं लगती तो वहां पर नहीं बनेगा, ऐसा बोला था। इसको प्रूफ करने का एक और भी तरीका है प्रेशर से, कैसे, देखो यहां का प्रेशर जो यहां पर आ जाते हैं, देखो ये सरफेस लेते हैं, ये रहा, ऐसा बनना चाहिए था नहीं बना, तो इस केस में यहां का प्रेशर कितना होना चाहिए था, इतना, वेयर स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अब देखो ये मेनिस्कस फ्लैट है, जो मैंने पोर्शन लिया वो मेनिस्कस फ्लैट है एकदम, रेडियस तो दिख नहीं रहा ना उसका, तो जो फ्लैट सरफेस होती है उसका रेडियस क्या लेते हैं हम, इनफाइनाइट, बिल्कुल सही। फ्लैट सरफेस का रेडियस कभी जीरो नहीं होता, फ्लैट मीन इनफाइनाइट होता है, क्यों, क्योंकि जब हम फ्लैट लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये बहुत बड़ा स्फीयर बना होगा जिसका मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है, तो इसका रेडियस बहुत 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 बड़ा आता होगा, ठीक। बहुत बड़े रेडियस का अगर एक पोर्शन ले वो स्ट्रेट बनेगा तो आपको लगेगा कि वो इनफाइनाइट रेडियस का, तो याद रखना प्लेन सरफेस का मतलब होता है रेडियस इज इनफाइनाइट, वन बाय इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो आंसर क्या आएगा, पी नॉट, बेंडिंग नहीं होगी, मतलब प्रेशर टू टी बाय आर इतना 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 छोटा हो जाएगा अप्रोचिंग टू जीरो। तो ये सेकेंड एक्सप्लेनेशन है कि सिर्फ पी नॉट क्यों लिया जाता है, एक तो वो बता ही दिया था मैंने क्योंकि बकेट दूर है, लेकिन ये भी सही तरीका है जिससे कि मैथमेटिकल प्रेशर्स के फॉर्मूला भी मैच कर रहे हैं, कोई डाउट इसमें, ठीक। अब कैपिलरी एक्शन, जो कैपिलरी एक्शन हमने करना है, कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डालते हैं और लिक्विड राइज हो जाता है, यही कैपिलरी एक्शन है। अब इसके अंदर क्या होगा कि सपोज ये आपके पास एक कैपिलरी ट्यूब है, ये कैपिलरी ट्यूब को अगर आपने एक वाटर में डाल दिया, लिक्विड में डाला, तो वाटर का लेवल मेनिस्कस यहां से बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, ऐसे होगा, टैंक बड़ा है, पर ट्यूब याद रखना बहुत 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 पतली होनी चाहिए, मैंने बड़ी बनाई है लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में ट्यूब बहुत पतली होती है। तो ये आपका लिक्विड का मेनिस्कस है जो अंदर बना हुआ है, ठीक है।
अब मुझे पता है कि अगर कोई पॉइंट मैं यहां लूं, बी पॉइंट लूं, और यहां पर प्रेशर कितना होगा, पी एटमोस्फेरिक, फ्लैट सरफेस है, जितना ऊपर उतना नीचे होगा, और ये सरफेस जो है इसके ऊपर भी अगर पी एटमोस्फेरिक ऊपर है तो यहां पर भी क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक नीचे भी सेम होगा, ऊपर नीचे। लेकिन ये जो पॉइंट है ये वाला, यहां पर जो प्रेशर होगा वो पी एटमोस्फेरिक, देखो ऊपर का प्रेशर बड़ा है, नीचे का छोटा है, बाय एन अमाउंट ऑफ टू टी बाय आर। अब इसमें कैपिटल आर यूज किया है, कोई बात है, सिंबल में कोई चक्कर नहीं है, पर याद रखना कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ, देखो ये नहीं भूलना, आप ऐसे छोटा और कैपिटल आर मत यूज करें, क्योंकि बुक्स कोई छोटा आर कैपिटल आर कैसे भी यूज कर सकती है। आप ये ध्यान से देख लें कि अगर 2t के नीचे कोई भी रेडियस आ रहा है, चाहे वो छोटा r चाहे वो बड़ा r, वो पक्की बात है ट्यूब का रेडियस नहीं हो सकता, वो मेनिस्कस का ही रेडियस होगा। ठीक हो गया यहां तक? तो इंपॉर्टेंट है रेडियस ऑफ मेनिस्कस, मेनिस्कस का रेडियस पता है क्या होता है, इसको स्फीयर बनाएंगे तो उसका रेडियस, ठीक है यहां तक? और ट्यूब का रेडियस इस क्वेश्चन में कितना है, स्मॉल r है। अब हुआ क्या, यहां प्रेशर कम हो गया, यहां प्रेशर ज्यादा हो गया, और पानी कहां भागता है, फ्रॉम हायर प्रेशर टू, तो पानी को दिखा यहां, पार्टिकल को दिखा कि यहां पर कम प्रेशर है, तो यहां का लिक्विड यहां पे, यहां का लिक्विड, इससे क्या हुआ, पानी ऊपर जाना शुरू हो गया, पानी ऊपर जाएगा, जैसी पानी ऊपर जाएगा, अब कब तक जाएगा, तब तक जाएगा जब तक यहां का प्रेशर इसके इक्वल नहीं हो जाता, और यहां का प्रेशर इक्वल तब होगा जब लिक्विड कॉलम एच रोजी इसके ऊपर लगा देगा, क्योंकि जितना लिक्विड ऊपर जाता जाएगा तो यहां का प्रेशर जितना पहले था वो तो है ही है, प्लस लिक्विड कॉलम कितना लगा देगा, एच रो जी। तो अगर अब यहां और यहां प्रेशर सेम हो जाए, अब लिक्विड और चढ़ना बंद हो जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि लिक्विड क्यों चढ़ रहा है, क्योंकि यहां का प्रेशर कम है, प्रेशर कम है, यहां का प्रेशर ज्यादा है, और यहां का प्रेशर मान लो अगर कितने 10 है, यहां का 8 है, तो लिक्विड ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक, जब तक यहां का प्रेशर भी 10 नहीं हो जाता, और वो तब होगा जब एच रो जी का प्रेशर इसमें 2 हो जाएगा इस पॉइंट का, तो 10 8 प्लस 2 क्या हो गया 10, तो लिक्विड ऊपर चढ़ चढ़ के यहां ज्यादा प्रेशर लगा देगा, तो लिक्विड चढ़ना बंद हो जाएगा। ये रूल समझ में आ रहा है लिक्विड क्यों चढ़ रहा है ऊपर? तो अब फिर से देखो इधर, स्टार्टिंग इनिशियली क्या था, ए पॉइंट पर प्रेशर क्या था, पी एटमोस्फेरिक माइनस 2t बाय आर, सी पॉइंट पर प्रेशर क्या है, पी एटमोस्फेरिक, और सी पॉइंट या बी पॉइंट एक ही बात है, सी और बी का प्रेशर ए पॉइंट से बड़ा था तो पानी ऊपर चढ़ेगा, क्या लिखा हुआ है, हाइट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। फाइनली क्या हुआ, इनिशियली तो ठीक है, फाइनली यहां का प्रेशर तो सेम रहेगा पी एटमोस्फेरिक, यहां का प्रेशर जितना था उसमें लिक्विड के लेवल ने भी एड कर दिया कितना, एच रो जी। अब लेफ्ट और राइट के प्रेशर मान लो क्या हो गए, सेम, पानी चढ़ना बंद हो गया, एच हाइट तक चढ़ पाया, पी एटमोस्फेरिक से पी एटमोस्फेरिक कैंसल, तो 2t बाय आर इज एच रो जी, ठीक, एच रो जी, कोई डाउट इसमें? अब नेक्स्ट यहां पे एच की वैल्यू क्या आ गई, 2t बाय आर रो जी, ठीक, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास एच की, तो ये हाइट ऑफ क्या आ गया, लिक्विड आ गया कैपिलरी में, और हाइट जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सरफेस टेंशन के, जिन लिक्विड की सरफेस टेंशन बहुत कम होती है या होती नहीं, उनमें हाइट की वैल्यू भी या तो होती नहीं या फिर कम होती है, लिक्विड राइज नहीं करता। अगर ऐसा लिक्विड डाला जाए जिसकी सरफेस टेंशन काफी है तो फिर वो उतनी ज्यादा हाइट भी अटेन कर लेगा, पहला पॉइंट। अब प्रॉब्लम यह है कि जो लिक्विड का मेनिस्कस होता है ना शेप, उसका रेडियस मेजर करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस मेजर करना आसान है, तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। मॉडिफिकेशन के अंदर देखो मैं क्या करूंगा, सपोज ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है, ये इसका मेनिस्कस है, आपने इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये क्या आ गया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक। अगर आप इस मेनिस्कस को कंप्लीट करें तो ये बनेगा स्फीयर, सच दैट इसका रेडियस क्या आएगा, कैपिटल आर, मेनिस्कस का रेडियस कैपिटल आर है, ठीक, लेकिन ट्यूब का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, इनको ज्वाइन करेंगे 90 डिग्री बन गया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी, ये एंगल 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये और ये 90 डिग्री पे है, और अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो गया थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ठीक, तो cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर,
एक मिनट, ये देखो ये डायग्राम बेटर है, ये मेनिस्कस है, ये बना दिया इमेजिनरी स्फीयर मेनिस्कस का, बड़ा रेडियस आर मेनिस्कस का और ये ट्यूब का रेडियस सी, इसका बेटर दिख रहा है। तो ट्यूब का रेडियस ऐसे बनेगा, मेनिस्कस का ऐसे बनेगा और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। ठीक, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हमें मेनिस्कस का रेडियस ना पता नहीं होता पर ट्यूब का रेडियस पता होता है, तो हम इस ट्राइंगल से कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, तो मेनिस्कस का रेडियस आ जाएगा स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। ठीक, तो जो पिछला रिजल्ट था जो भी हमने निकाला उसके अंदर यहां तक तुमने निकाल ही लिया था एच का फॉर्मूला, जो एच हाइट का फॉर्मूला आया था वो मेनिस्कस के रेडियस की फॉर्म में था, पर मेनिस्कस का रेडियस ढूंढना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ट्यूब का रेडियस आसान है, तो मैं क्या करता हूं कॉस थीटा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर से कैपिटल आर मेनिस्कस का रेडियस ट्यूब के रेडियस की फॉर्म में निकाल लेता हूं, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर देते हैं, ये आ गया कॉस थीटा ऊपर चला गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया हाइट का, हाइट ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय 2t cos थीटा बाय r rho g, लेकिन जो हाइट का फॉर्मूला आया उसमें जो रेडियस है वो मेनिस्कस का रेडियस नहीं है, वो ट्यूब का रेडियस है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, कोई डाउट इसमें? अब इसके अंदर इसमें जो हाइट की वैल्यू है, हाइट हमारे पास हाइट की क्या वैल्यू आई थी 2t बाय कैपिटल आर रोजी, पर मैं फिर कह रहा हूं कैपिटल आर का मतलब रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ट्यूब नहीं, और ट्यूब की फॉर्म में फॉर्मूला रेडियस की फॉर्म में, ट्यूब के रेडियस की फॉर्म में फॉर्मूला यह आया था, तो इसमें ये हाइट का फॉर्मूला आया सच दैट 2t बाय रोजी एक तरफ, अब मुझे पता है कि सरफेस टेंशन लिक्विड की कांस्टेंट है चेंज नहीं हो सकती, 2 कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता, डेंसिटी कांस्टेंट चेंज नहीं होती, जी कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता, तो राइट साइड इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, तो किसी भी कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड राइज करेगा तो लिक्विड का जो मेनिस्कस होगा और जो हाइट ऑफ लिक्विड वो अटेन करेगा उसका प्रोडक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। क्वेश्चन ये आता है, मान लो एक कैपिलरी ट्यूब आपने डाल दी वाटर में, वाटर को राइज करना था 15 सेंटीमीटर, कैपिलरी ट्यूब की लेंथ इनसफिशिएंट थी और सिर्फ 5 सेंटीमीटर थी, राइज करना था 15 सेंटीमीटर, तो अब क्या होगा? पानी ऊपर तो आएगा, फाउंटेन बना लेगा, गिर जाएगा ऐसे बाहर आके? नहीं गिरेगा, वो इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि जितनी हाइट उसकी छोटी होगी उतना ही उसका मेनिस्कस का रेडियस बड़ा हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा क्योंकि फ्लैट सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट हो जाता है, तो यानी कि अपने रेडियस को बड़ा 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 करता जाएगा लेकिन बाहर कभी भी नहीं गिरता, तो अपने मेनिस्कस की एडजस्टमेंट करेगा, बाहर नहीं गिरेगा अगर इनसफिशिएंट लेंथ को आप रखेंगे, ये क्वेश्चन आता होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि शेप अगर ज्यादा बेंड है वो कम बेंड हो जाएगी, इसका मतलब ये रेडियस ज्यादा कम होता है, ये रेडियस इन फ्लैट का मतलब इन्फिनिटी है ना बहुत ज्यादा, तो वो फ्लैट होने की कोशिश करेगा और अगर एच छोटा होगा। ठीक है यहां तक? तो इनसफिशिएंट लेंथ का केस समझ में आ गया, कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ये स्पेशली जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके कंपटीशन में आती हैं और नॉन मेडिकल में तो न्यूमेरिकल ही आना है, फिर भी यू नेवर नो एक बार सुन लो प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, कैपिलरी अगर इनसफिशिएंट लेंथ ही है तो एच इंटू आर इज अ कॉन्स्टेंट, मैंने बता दिया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज बिटवीन 0 एंड 180, ये हमने डिस्कस कर लिया था, प्योर वाटर और ग्लास का थीटा 0 है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 समझते हो कि अगर ये ट्यूब है तो एकदम फ्लैट, फ्लैट मीन चिपक जाएगा पूरी तरह पानी, पानी चिपकेगा तभी तो साइड पे लग जाएगा दीवार के साथ, उसके बाद ऐसा आएगा। अब जब आप इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो टेंजेंट ऑलमोस्ट ग्लास के साथ जाता है और इसके साथ एंगल क्या बना लेता है 0, जबकि बाकी लिक्विड में टेंजेंट थोड़ा टेढ़ा बनता है और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ ना कुछ तो बनता है, थीटा 0 का मतलब ये मेनिस्कस काफी बड़ा बनने वाला है और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलमोस्ट 0 होने वाला है, लेकिन जो नॉर्मल वाटर है ऑर्डिनरी वाटर है वो 8 डिग्री के ऊपर हो, तभी आप जब लैब में काम करते हैं थोड़ा बहुत मेनिस्कस आपको दिखता है ट्यूब्स में। सिल्वर और ग्लास का 90, सिल्वर ग्लास 90 का मतलब समझते हो फ्लैट दिखेगी, सिल्वर पिघला के डालोगे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा इसमें 90, ये रहा टेंजेंट सरफेस के साथ, तो ग्लास के साथ एंगल क्या बनाएगा 90। इंक्रीजिंग द सरफेस टेंशन, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा दिया लिक्विड का
तो थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ता है और सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होती है। ये दो याद करने आपने कि सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होती है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप डिटर्जेंट ऐड करते हो तो डिटर्जेंट फोर्सेस को चेंज करता है मॉलिक्यूल्स की, तो जिस वजह से क्या होता है, सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होती है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी कम हो जाता है। लेकिन अगर आप सॉल्युबल इंप्योरिटीज डालते हो, जैसे आपने शुगर डाल दिया, चीनी घोल दी, तो उसमें क्या होगा, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कम होने की बजाय बढ़ जाती है। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे चेंज होती हैं डिटर्जेंट या शुगर डालने से, फिर अलग स्टोरी है, केमिस्ट्री के अंदर चला जाएगा वो एरिया। इस वजह से जो बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस करती नहीं है, बस फैक्ट्स हैं, ये पता होने चाहिए, फैक्ट्स सफिशियंट है। ठीक, ये था आपका मेथड नंबर वन। ठीक, मेथड नंबर वन। फिर से एक बार एसेंट फॉर्मूला, हाइट फिर निकालनी है कैपिलरी की, लेकिन मेथड नंबर टू से। आपकी मर्जी है, मेथड वन मेथड टू जो भी यूज करो, बुक्स के अंदर मेथड टू गिवन है, मैं वैसे बता दूं तो मेथड टू गिवन है, लेकिन मेथड वन भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है। मेथड टू कैसे काम करेगा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, हालांकि मेथड वन ही मुझे ठीक लगता है हमेशा। कि ये आपका एक मेनिस्कस है, लिक्विड रुक गया यहां पे। लिक्विड इसलिए राइज किया था क्योंकि ग्लास के मॉलिक्यूल्स ने लिक्विड को खींचा था, एडहेशन कोहेशन याद है, खींचा था तो कुछ जगह मिली ऊपर राइज करने के लिए, तो वो ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गया। कब तक चढ़ता जाएगा, जब तक जो ग्लास ऊपर की फोर्स लगाएगी, जैसे ग्लास है, ग्लास के मॉलिक्यूल लिक्विड के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहे हैं और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, तो ये भी थीटा, तो टेंशन की फोर्स के दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे, कॉस एंड साइन। इसने हालांकि टेंशन लिखी है पर टेंशन की फोर्स बोलनी चाहिए, फोर्स के कॉम्पोनेंट्स हैं। और ग्लास की हर सरफेस पे ये डायग्राम बनेगा क्योंकि जो ग्लास है लिक्विड सर्कल दिखेगा, अगर आप ट्यूब के अंदर ऊपर से देखो आपको गोल दिखेगा क्योंकि ट्यूब गोल है ऊपर से, तो पानी की सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर ये वेक्टर बनेगा। तो टी कॉस थीटा सर्कमफ्रेंस पे ऊपर एक्ट करता जाएगा और टी साइन थीटा वॉल पे एक्ट करता जाएगा जो कैंसिल हो जाएगा। तो टी कॉस थीटा कितने सरकमफ्रेंस पे एक्ट करेगा, 2πr। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होगी 2πr इंटू टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा पूरे लिक्विड के सरफेस पे एक्ट कर रहा है, ऊपर 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 हर पॉइंट पर, और कितनी लेंथ पर, 2πr। तो सरफेस टेंशन की फोर्स जो होगी वो 2πr इंटू टी कॉस थीटा होगी। अब ये फोर्स लिक्विड को ऊपर लेके जा रहा है, अब लिक्विड को कितना ऊपर लेके जा रहा है इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये देखो, तो लेट अस सपोज ये फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है, ये फोर्स जो है ऊपर एक्ट कर रही है और लिक्विड ऊपर ऊपर आना स्टार्ट हो गया और एच हाइट तक आ गया। तो ये फोर्स अगर 10 न्यूटन की थी ऊपर की तरफ, तो लिक्विड का वेट जब तक ट्यूब में 10 न्यूटन नहीं हो जाता तब तक लिक्विड राइज करता जाएगा। जैसी कॉलम में ट्यूब का वेट सेम हो जाएगा, राइज करना बंद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसका वेट निकाल लेते हैं। लिक्विड का वेट निकालने के लिए यहां तक लेंगे हम टोटल वेट, यहां तक टोटल वेट निकालने का मतलब पहले वॉल्यूम निकालना। किसका वॉल्यूम निकालना, वाटर का वॉल्यूम निकालना। वाटर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, यहां तो वाटर है ही नहीं, खाली है तो इमेजिनरी है। तो हम एक सिलेंडर लेंगे, यहां से लेके यहां तक का सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। सिलेंडर की जो हाइट होगी वो यहां से लेके लोअर पार्ट ऑफ मेनिस्कस तक की हाइट कितनी है, एच, जो हाइट मेजर की जाती है मेनिस्कस के लोअर एंड से मेजर की जाती है, और ये रेडियस कितना है, आर, स्मॉल आर। एक ही बात है, वो तो सेंटर का वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम है। तो इसमें स्मॉल आर और एच हाइट है, रेडियस इसका आर है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर प्लस एच पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम में से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस किया 2/3 पाई आर क्यूब, बचा हुआ वाटर का वॉल्यूम इंटू रो इंटू जे।
तो यहां से कॉमन निकलेगा तो ये टर्म आएगी, ये जो वॉल्यूम या वेट आया लिक्विड का ये उस फोर्स के इक्वल होना चाहिए जो सरफेस टेंशन ने लगाई। तो हमने क्या किया, एक फोर्स सरफेस टेंशन की निकाल ली और दूसरी फोर्स हमने वेट निकाल लिया लिक्विड का। और अगर हम इन्हें इक्वेट करें, इक्वेट करके आपके पास सॉल्व करके आपके पास सरफेस टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। ट्यूब बहुत छोटी होती है और हाइट बहुत बड़ी होती है, तो इनके मुकाबले दिस इज वेरी स्मॉल, कैन बी निगलेक्टेड। इसको निगलेक्ट कर दो, निगलेक्ट करोगे, ये देखो फिर से लिख दिया, निगलेक्ट करोगे तो आपके पास ये टर्म आएगी। और एच को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2t cos थीटा बाय r rho g, सेम आंसर आ जाएगा। पर इस प्रूफ से बेटर मुझे पहला प्रूफ लगता है क्योंकि इसमें एकदम चीजें काफी क्लियर दिखती हैं। तो आप फर्स्ट मेथड ही फॉलो कर लो मेरे हिसाब से, सेकंड इसलिए करवा दिया कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा बुक्स का, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है मेरे को लगता है। ठीक, अगला टॉपिक इसमें लिखा हुआ है राइज ऑफ कैपिलरी ऑफ इनसफिशियंट लेंथ, मैंने करवा दिया। इनसफिशियंट लेंथ के केस में क्या करना है आपने, इसमें कुछ नहीं करना। और लास्ट टॉपिक, ये एक दो स्लाइड्स हैं सिर्फ लास्ट में, अगर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है कि दो बबल्स अगर कंबाइन होते हैं वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम में दो बबल्स कंबाइन हो गए, अब बबल्स की ये प्रॉब्लम है, ड्रॉप्स अगर कंबाइन होते तो एक ड्रॉप का वाटर दूसरे ड्रॉप का वाटर मिला के बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम आ जाता, वॉल्यूम इक्वेट करते हैं, पर बबल में इक्वेट नहीं करते, ये नहीं करते एक बबल की एयर दूसरी बबल की एयर बड़ी एयर नहीं करते। हम क्या करते हैं, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होना जरूरी है इसका, अब ये थोड़ा केमिस्ट्री और वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, जब प्रेशर चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज करोगे तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जब आप बबल को छोटा बड़ा करते हो उसका प्रेशर इनसाइड चेंज होता है वॉल्यूम की वजह से। और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P इनटू V का फॉर्मूला लगता है। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट, सेकंड जो सॉरी बबल है P इनटू V का प्रोडक्ट, तो जो नया बबल बनेगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। अब क्योंकि ये बबल किस में पड़ा हुआ है, इन वैक्यूम पड़ा हुआ है, और अगर ये वैक्यूम के अंदर पड़ा हुआ है तो मुझे एक चीज बताओ कि अंदर का प्रेशर अगर P1 है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या है, वैक्यूम है तो प्रेशर कौन लगाएगा, कोई भी नहीं। तो अगर एटमोस्फेरिक होता तो आंसर क्या आता, 4T/R, ये तो है ही नहीं, तो अंदर का प्रेशर क्या आ जाएगा, 4T/R। तो चेक करो वैल्यूज, P1 की जगह 4T/R1, एटमोस्फेरिक नहीं आएगा वॉल्यूम फर्स्ट बबल का, P2 की जगह 4T/R2 सेकेंड का वॉल्यूम, और P की जगह 4T/R नया प्रेशर नए बबल का और नया वॉल्यूम, इक्वेट कर दिया, कैंसिल करोगे टर्म सारी, TTT 4π तो रेडियस का रिलेशन आ जाएगा, R² इज R1² प्लस R2², तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1² प्लस R2². तो कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक के अंदर ये भी क्वेश्चन करवाया जाएगा तो सीधा शॉर्टकट यूज करेगा कि जो नया बबल का रेडियस होता है वो R1² प्लस R2² का अंडर रूट होता है। वो कैसे हुआ समझ में आया, ठीक। तो ये रूल याद रखना है, और लास्ट रूल, रेडियस ऑफ कॉमन इंटरफेस, जब दो बबल्स छोटे और बड़े मिलते हैं, मिल गए छोटे और बड़े बबल्स हैं, एक छोटा और एक बड़ा, तो छोटा बबल और बड़े बबल का जो इंटरफेस होता है कॉमन जो पोर्शन है वो इतना स्मूथ नहीं रहता, वो कुछ ऐसे हो सकता है अंदर की तरफ, डिपेंड करेगा कि उस सरफेस पे किस बबल ने अंदर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया। छोटा बबल हमेशा प्रेशर लगाएगा ज्यादा, क्यों, क्योंकि अंदर का प्रेशर होता है 4T/R, आर जितना छोटा होगा बबल का प्रेशर उतना ही बड़ा लगेगा। एक क्वेश्चन भी आता होता है कि अगर सपोज करो एक यदि एक ट्यूब है और एक वैल्व लगा हुआ है ऊपर, ये देखो ऐसे ओपनिंग है, तो एक छोटा बबल है एक बड़ा बबल है, तो आपको ये बताना होता है इसको ओपन कर देंगे तो क्या होगा, छोटे से बड़े में जाएगी हवा, क्यों, क्योंकि छोटे का प्रेशर बड़ा होता है बड़े के प्रेशर से, तो छोटे से बड़े में जाएगी, बड़े से छोटे नहीं जाएगी, ठीक। तो यहां पर सपोज ये इस तरीके से बेंडिंग हो गई, तो आपने देखा होगा बबल चिपके होते हैं तो वो जो सरफेस है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है जहां से चिपकते हैं, तो जो नया सरफेस आया वो बेंड होके कुछ ऐसा आया, ये देखो ये वाला, तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूं और इमेजिनरी स्फीयर बनाऊं तो इसका रेडियस क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। इसको कॉमन इंटरफेस का रेडियस बोलते हैं। एनसीईआरटी के लिए नहीं करना, सिर्फ कॉम्पिटिशन के लिए, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जिसके अंदर वो कहते हैं कि अंदर से ये वाला बबल ज्यादा प्रेशर लगा रहा है 40/R1,
ये वाला कम लगा रहा है 40/8, तो नेट प्रेशर जो होगा उसके हिसाब से नया रेडियस बनेगा। तो इनमें नेट प्रेशर निकाल लिया, छोटे का प्रेशर माइनस बड़े का प्रेशर इज इक्वल टू 40/r, वेयर r इज रेडियस ऑफ न्यू इंटरफेस। तो इमेजिनरी जो पोर्शन आएगा उसका इंटरफेस का रेडियस r है। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसकी कैलकुलेशन गलत है, प्लीज इसको सही कर लें। तो यहां पर r 2 माइनस r 1 आएगा, प्लीज इसको करेक्शन कर लेना। ठीक, हाँ तो इसको प्लीज करेक्शन कर लेना, दिस शुड बी इक्वल टू क्या आएगा यहां पे, हाँ r 2 माइनस r 1 आएगा, बिल्कुल ठीक। ठीक समझ में आ रहा है यहां तक? तो डिनोमिनेटर में r 2 माइनस r 1 कर लेना, तो याद करने की जरूरत नहीं, वैसे ही आपको याद रहेगा ये 1/r इज 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक,